हाय नमस्कार, मेरा नाम रंजन सैनी है। मैं नोएडा सेक्टर 41 में रहता हूँ। मैं अब लगभग 1.5 से 2 महीने पहले कहीं गिर गया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे को चोट आई थी, नहीं आई थी, मेरे को ध्यान नहीं दिया। उस टाइम थोड़ा बहुत पेन था मेरे को इस साइड में और इस साइड में। मैंने सोचा ऐसी होगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो 15-20 दिन मैं अपने वर्क में बिजी रहा, कंटिन्यू में बिजी चलता रहा। तो मेरे को दर्द होना स्टार्ट हुआ लगभग 20-25 दिन बाद। तो मैंने सोचा ऐसे ही होगा, कोई दर्द होगा, क्योंकि मेरे दिमाग से ये भी निकल गया था मैं कहीं गिर गया था। तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था किसी भी चीज़ का। तो मैंने मैक्स में चेक कराया इसको लगभग अभी 31 जनवरी में मैंने उनको चेक कराया। उन्होंने डॉक्टर संजय सक्सेना जी ने मेरे को कुछ टेस्ट वगैरह लिखे 5 दिन बाद बुलाया। तो मैंने जाके बोला तो उन्होंने बोला कि आपके सर्वाइकल डिस्क अंदर खिसक गई है, तो उसका ऑपरेशन होगा और ऐसे से। तो उन्होंने मेरे को प्रॉपर बेड रेस्ट बोला कि अरे हम मेडिसिन देके देखते हैं, मेडिसिन से आप रेस्ट मेडिसिन लीजिए और रेस्ट कीजिए। तो मैंने मेडिसिन ली और बेड रेस्ट भी किया मैंने 7-8 दिन। तो मेरे को कुछ भी इम्प्रूव नहीं दिख रहा था इसमें। तो मैंने दोबारा कंसल्ट किया उनसे जाकर के, तो उन्होंने सीधा ऑपरेशन बोला। तो मेरी सिस्टर थी, जो मेरी सिस्टर तमन्ना सैनी, मेरी सिस्टर का ट्रीटमेंट ऑलरेडी डॉक्टर निपुन बजाज जी से चल रहा था। तो जब उनसे ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, तो उन्होंने तमन्ना ने कहा कि एक बार भैया निपुन बजाज जी से देखिए, स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं, आप यहाँ पे जाके एक बार इनसे मिलकर देखिए। तो मैं पर्सनली उनसे मिला, तो उन्होंने भी मेरे को ऑपरेशन ही बताया। उन्होंने ऑपरेशन बोला मेरे को और अपोलो स्पेक्ट्रा में सजेस्ट किया उन्होंने कि आप इसमें ऑपरेशन कराओ और ऐसे से सब ठीक हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। उन्होंने मेरे को बहुत हौसला दिया। तो मैं 13th को मैं यहाँ पे इवनिंग में एडमिट हुआ, 14th को मेरी सर्जरी हुई। मैं सर्जरी के टाइम बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि मेरा गला कटेगा और ये सब चीज़ें एवरीथिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने कहा पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, मेरे लाइफ का फर्स्ट ऑपरेशन था, ऐसे कराना नहीं चाहिए। लोगों ने भी बोला था, बहुत लोग जो भी मिलने वाले थे कह रहे थे नहीं ऑपरेशन नहीं कराओ, ऐसे ठीक हो जाओगे, फिजियोथेरेपी करा लो ऐसे से। लेकिन नहीं, फिर भी डॉक्टर निपुण बजाज जी पे मेरे को बिल्कुल भरोसा था। उन्होंने मेरे को बहुत भरोसा दिलाया और उनकी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। ऑपरेशन के दूसरे दिन ही मैं बोलने भी लगा, मेरी गर्दन भी मूव करने लगी। मेरे को ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ है। बहुत माइनर सा मेरे को दर्द है और अपोलो स्पेक्ट्रा का और डॉक्टर निपुण बजाज जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो गया, बहुत अच्छे से हो गया 3-4 दिन में। थैंक यू, नमस्कार।